Everybody's saying, yeah, just go up there. इसको क्यों नहीं थर्ड एम्पायर के पास लेके गए वकार? नॉर्मली यू नो ये जो आखिरी रिप्ले आपने देखा है, नॉर्मली क्या होता है कि जब लेग अंपायर का काम क्या होता है कि जू ही बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर जाती है बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बैट्समैन, सो ही इज लुकिंग एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल ऑल्सो. सो इफ ही सीज द बॉल गोइंग ओवर द टॉप ऑफ हिज हेड ऑल्सो, तो वो आपको वो वाइड बॉल भी वही देता है और वो उस जो फ्रंट पे जो अंपायर होता है उसको बताता है. और इसमें भी यही होता है कि जब आप वेस हाइट से गेंद ऊपर होता है तो ये फौरी तौर पे जो ही उसको नजर आता है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज दिस हैंड कम्स आउट. यस, ओके, दिस हैंड कम्स आउट, क्योंकि इतने इतने शोर में यू नो आवाज तो नहीं आ सकती कि नो बॉल. सो व्हाट ही डज इज टेक्स हिज हैंड आउट फर्स्ट थिंग. ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा. एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं. ये दुनिया ने छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये नो बॉल और जो स्टंप पे लगकर फ्री हिट पे बॉल पीछे गई थी जिस पर 3 रन लिए गए थे, उसको लेकर बोला जा रहा है कि ये BCCI की पावर की वजह से होगा, ये चीटिंग है, फलाना ठिकाना, इस तरीके की बातें हो रही है. हालांकि इस वीडियो में भी आप देखेंगे वसीम अकरम के अलावा वकार का रिएक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये चीटिंग हुई है. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं. वकार लास्ट टाइम आपको याद है 24 अक्टूबर, आज 23 है, 24 अक्टूबर आने वाली है, 24 अक्टूबर को इंडिया मैच हारा था पाकिस्तान से. वकार का उसी दिन स्टेटमेंट आया था एक मीडिया हाउस में बैठते हुए कि हिंदुओं के सामने रिजवान ने नवाज पढ़ी मैच जीतने के बाद, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. वकार यूनिस, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा. बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ए नो बॉल और अ पोटेंशियल नो बॉल और अ कॉल दैट वॉज मेड बाई एम्पायर रेस्मस. ये बॉल था, जब बॉल हुई तो उस वक्त छक्का मारा था कोहली ने उसके ऊपर फुल टॉस पे और फौरन मुड़ के उन्होंने नो बॉल को किया था. इंटरेस्टिंगली लुक, ही इज डिमांडिंग फॉर अ नो बॉल, देयर वाज अ नो एट दिस पॉइंट, नो बॉल. ये कोई भी बैट्समैन होता वो जरूर कहता है ये अंपायर को, दैट्स नॉट हिज फॉल्ट. राइट, राइट, नो, नो, देयर इज नथिंग, देयर इज नो फॉल्ट ऑन दैट, बट लोग जिस बात का शिकायत कर रहे हैं कि इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल एंड एरिस्मस गेव दैट वन वेरी लेट. सच अ बिग गेम, यू हैव अ टेक्नोलॉजी, go use technology. There why you go. Why that risking is, it unnecessarily that why is, flare up things unnecessarily. There you go. And these two are the most experienced umpires, Babar Azam there actually, now it's too late. Shadab and Babar Azam going, yeah. Then he was sent to the leg and then Erasmus said dekh Babar meri baat sun, ab ho gaya jo hona tha, chal chhod na, aage chalte hain. Erasmus keh rahe hain maine nahi us umpire ne kaha, ek dusre se pai ja rahe hain. So here the Wasim, you bring a brilliant point to the table, and I think we should leave this open for discussion for a moment for everybody. Wakar, I would love your input on this. Mismount your. This is a touch and go. देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो dip कर रहा है ball. जी. So maybe उन्होंने वो लिया है, यहाँ से उन्होंने pick किया है. अब it's kind of touch and go. Naked eye से लगता है नहीं है, but slow motion में देखो लगता है कि था. So the thing, like I said, कि if there is a technology. Use it. That's what everybody's saying. Yeah, just go up there. इसको क्यों नहीं थर्ड एम्पायर के पास लेके गए वकार? नॉर्मली यू नो ये जो आखिरी रिप्ले आपने देखा है, नॉर्मली क्या होता है कि जब लेग अंपायर का काम क्या होता है कि जू ही बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर जाती है बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बैट्समैन, सो ही इज लुकिंग एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल ऑल्सो. सो इफ ही सीज द बॉल गोइंग ओवर द टॉप ऑफ हिज हेड ऑल्सो, तो वो आपको वो वाइड बॉल भी वही देता है और वो उस जो फ्रंट पे जो अंपायर होता है उसको बताता है. और इसमें भी यही होता है कि जब आप वेस हाइट से गेंद ऊपर होता है तो ये फौरी तौर पे जो ही उसको नजर आता है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज दिस हैंड कम्स आउट. यस, ओके, दिस हैंड कम्स आउट, क्योंकि इतने इतने शोर में यू नो आवाज तो नहीं आ सकती कि नो बॉल. सो व्हाट ही डज इज टेक्स हिज हैंड आउट फर्स्ट थिंग, दैट्स देयर नेचुरल रिएक्शन. एंड दैट्स वेरी 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 एक्सपीरियंस्ड अंपायर्स, नो, वेरी गुड अंपायर्स. नॉर्मली होता है, बट इफ यू लुक एट इन द लास्ट रिप्ले, ही जस्ट turned around and he look at the ball or chakka ho gaya jo bhi hua, and then it was called because then Virat Kohli asking for it, and then he just watched that very very closely. See, the ball is dipping. Arms should have come out right now, nothing moved.
नथिंग सो दैट मींस ही विल टर्न अराउंड इन फैक्ट लुक ही डिडंट लुक ओके ये देखें बॉल डिप करे नीचे ना और थोड़ा सा पीछे चलाएं इसको पीछे चलाएं यहां रुके ये आई के Yeah, the ball is coming. I mean, it's dipping down and below waistside. I am not saying, and I don't want to. Yeah. I'm not saying, and I don't want to say it. It's a no ball or not a no ball. I don't want to get into this controversy. Yeah. Because normally, yes, I can say that the umpire should have. You know, raise his arm immediately. बाजू निकलना चाहिए था फौरी तौर पे ऊपर because he saw something and he just realized that it's a no ball. If he realized it, then it should have been called there and then. अगर वो नहीं हुआ है उसके बाद एंड देन ओके आई स्टिल फील के ये विराट कोहली का ये राइट है टू आस्क फॉर अ नो बॉल एंड ही डिड एंड देन द अंपायर द लेग अंपायर शुड हैव कंसल्टेड विद द फ्रंट ऑन अंपायर एंड दे शुड हैव गॉन अपस्टेयर्स टू देन अलाउ द थर्ड अंपायर एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज सिटिंग देयर उसको फिर डिसीजन करने देते वो इसको नो देता ना नो देता छक्का देता जो भी देता आई थिंक इट शुड हैव बीन लेफ्ट टू हिम वसीम आई वांट टू आस्क यू कमेंटेट अराउंड द वर्ल्ड यू हैव कमेंटेड इन ऑल दीस ऑजी ग्राउंड्स इन वर्ल्ड कप सो फोर्थ एंड सो ऑन देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग एंड पीपल आर पॉइंटिंग दैट आउट दैट द एंटायर इंसिडेंट वाज देन डाउनप्लेड बाय द कमेंटेटर्स दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट दे वांटेड टू मूव ऑन टू द मैच एंड सेइंग ओह द सिक्स इज देयर एंड यू नो दिस इज नो बॉल एंड वी गोइंग फॉर अ फ्री हिट बिकॉज़ वी वर्न देयर या मी एंड वकार वुड हैव स्पोकन आवर माइंड there and then and I suppose any Pakistan, I think Bazid is there probably he wasn't on air then but yeah I'm with Dhukar and there's another big issue people are discussing when Nawaz ne usko bold kiya aur phir wo teen bhage ek random si cheez aa rahi hai kisi ne ki main 5 saal pehle ka shayad wo law laga di people thinking ke ball stumps ko lag jaye dead ball ho jata hai let me read you a rule padh ke sunata hu kanun ye great doc ne tweet kiya tha Dr. Numan ne if a batsman is caught on free hit he can run and the score will be added to his total and if he's bowled with an edge then he can take runs which will be added to his total as well but if he gets out bowled without an edge he can run but the runs will go to into extra so hence umpire ne wo bias diye तो ये है नया लॉ है अच्छा इस जगह पर ऑफ कोर्स एक तो ये क्लियर हो गया कि कानून क्या है अश्वे वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट नो बॉल कॉल एंड व्हाट वकार एंड वसीम हैव ऑलरेडी सेड व्हाट वसीम भाई एंड वकार भाई सेड आई एम कंप्लीटली एग्रीइंग क्योंकि जब आप एक ऑप्शन है पहले जो रूल्स थे उसमें ये था कि जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो ही उस वक्त जो है कॉल कर सकते हैं बट जो जैसे वकार भाई ने कहा कि उनका हाथ नहीं निकला जब वो कनेक्शन हुआ बॉल और बैट का तब एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सिग्नल देना चाहिए था कि ये है एग्जैक्टली तो जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको जरूर थर्ड अंपायर से और स्पेशली इतना बड़ा मैच हो यही बात है असल इतना में बड़ा मैच हो तो आपको क्रंच मोमेंट में जो डिसाइड कर रहा है मोर ऑर लेस के क्या होने जा रहा है उसमें आई गेस बिल्कुल फेयर जो है हम ये नहीं कह रहे कि गलत हुआ या उनसे गलती किसी से भी गलती हो सकती है लेकिन थर्ड अंपायर से उनको जरूर कंसर्न ये शेयर करना चाहिए था कंसल्ट करना चाहिए था और उसके बाद जो थर्ड अंपायर देखता स्क्रीन पे जो कि हम लोगों ने देखा है एज अ स्पेक्टेटर तो फिर उसके बाद डिसीजन लेते तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा था हालांकि मैं बोल चुका हूँ कई बार बोल चुका हूँ पाकिस्तान में मुझे 3-4 लोग बड़े सेंसिबल लगते हैं वसीम अकरम मिसबा उल हक यूनिस खान हालांकि कुछ और नए बंदे आ रहे हैं वो अभी इतना ज़्यादा मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो उनको मैं रेट नहीं करता हूँ बट मिसबा उल हक को मैंने बहुत सुना है यूनिस खान को बहुत सुना है वसीम अकरम को सबसे ज़्यादा सुना है वसीम अकरम को खेलते हुए मैंने नहीं देखा लाइव तो आप समझ सकते हो यार बड़ा सेंसिबल बंदा है बहुत अच्छे से बात करता है बोल रहा है कि स्लो मोशन में लग रही है वो नो बॉल हालांकि अब हो सकता है यार ऊपर नीचे यार ऐसा कई बार होता है मैचेस में एक बार आपको याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टू थाउजेंड फिफ्टीन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा को एक बॉल आया इतना ऊपर था उसको मारा वो नो बॉल दिया गया उसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट फैंस काफ़ी साल तक नाराज़गी जताते रहे कि वो नो बॉल था उसके बाद क्या हुआ रोहित शर्मा उस बॉल पर मारते हैं कैच आउट होते हैं लेकिन वो नो बॉल दिया जाता है रोहित शर्मा उसके बाद सेंचुरी मार देते हैं और इंडिया उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुँच जाता है ऑस्ट्रेलिया से हालांकि सेमीफाइनल हारता है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहा है हालाँकि पाकिस्तान बिल्कुल जीता जिताया मैच हारा बिल्कुल जीता जिताया मैच हारा पाकिस्तान लास्ट ओवर आप देख सकते हो वो किस तरीके से प्रेशर में वाइट क्या बॉल फेंक रहा था उसके पहले हारिस रऊफ देखें उसके पहले शाहीन अफरीदी देखें तीन ओवर में आपको 48 रन
बचे हैं तो फिर यार जो दूसरी टीम है उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन आप जीता जिताए मैच हारे, विराट कोहली के जो दो शॉट, वो दो छक्के उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे मारे, बहुत क्रूशियल टाइम पे, 28 से 22 हुए, 22 से 16 हुए, फिर 16 के बाद हार्दिक पांड्या थोड़ा सा जल्दी कर गए, अगर थोड़ा सा सीधे बल्ले से सीधा मारने की कोशिश करते तो शायद हार्दिक पांड्या ही मुझे लगता है 4 बॉल में मैच फिनिश करते। चलिए ठीक है, इंडिया मैच जीत गया, अनटिल अनलेस और कुछ हमें सोचना नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला यार, मैं बोलूँगा यार पाकिस्तान के जो पेसर्स का एक मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, रेपुटेशन से ही रोहित शर्मा और केएल राहुल का जो रवैया है ना बड़ा बेकार लगा। रोहित शर्मा बिल्कुल ऐसा मतलब पैर पीछे करके टच करके भाग रहे हैं। मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यार काश ये लोग थोड़ा सा इनके अंदर सहवाग आ जाए। सहवाग के साथ क्या सीन था आपको याद है, 2011 के वर्ल्ड कप में उमर गुल को सबसे खतरनाक बॉलर माना जा रहा था और सहवाग ने बोला कि अब इसको मैं इसके पीछे पड़ता हूँ, 5 चौके मारे, सबसे खतरनाक बॉलर की बत्ती गुल कर दी थी उमर गुल की, आपको याद होगा, इस तरीके की हेडलाइन आज तक पे चल रही थी। तो मैं सोच रहा था यार कि शाहीन के पीछे पड़ना चाहिए। एक केएल राहुल के साथ क्या सीन है यार, शिखर धवन की हमें बलि देनी पड़ी केएल राहुल के चक्कर में। केएल राहुल हमेशा मैंने देखा है बड़े मैच में फ्लॉप होते हैं, शिखर धवन कुछ भी कहो T20 में उनका स्ट्राइक रेट कम रहता है लेकिन वो चलते हैं, रन बनाते हैं, एक स्टार्ट मिलता है। केएल राहुल के साथ सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब आगे कब तक इनको ढोएंगे अब देखते हैं क्या होता है। छोटी टीम के खिलाफ अभी नीदरलैंड के खिलाफ केएल राहुल अभी रन मारेंगे, बहुत बड़ा रन मारेंगे, देखना आप। तो क्या कहना है आपको इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मैच तो जीत गई है इंडिया और मुझे लगता है कि अब सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचनी चाहिए इस ग्रुप में, क्योंकि ये टफ मैच जीती है इंडिया, सेमीफाइनल फाइनल या T20 वर्ल्ड कप में अगर हमें दो मैच जीतने हैं तो ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। आपको क्या कहना है टॉपिक के बारे में कॉमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब